एंड अस्सलाम वालेकुम उर्दू स्कूल ऑनलाइन की जानिब से जी एम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो बात हो रही थी SEO की, ठीक है। तो SEO का मैंने बता दिया था कि व्हाट इज़ SEO, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SEO क्या है। तो नेक्स्ट जो काम जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है ऑन पेज SEO, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि SEO की टाइप्स जो हैं बाय वर्किंग, ठीक है, बाय वर्किंग। तो उनमें से एक चीज़ थी ऑन पेज SEO और एक ऑफ पेज SEO। तो आज हम चलते हैं ऑन पेज SEO की तरफ, ठीक है। ये मैंने देखें बताया था टाइप्स ऑफ SEO बाय वर्किंग, ठीक है, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन पेज SEO, ठीक है। ऑन पेज SEO का मतलब क्या है? तो जो गूगल पे या मोज़ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ऑन पेज SEO इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस इन ऑर्डर टू रैंक हायर एंड अर्न मोर रेलिवेंट ट्रैफिक इन सर्च इंजन्स। ऑन पेज रेफर्स टू बोथ द कंटेंट एंड HTML सोर्स कोड ऑफ अ पेज दैट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड एज ओपोज्ड टू ऑफ पेज SEO विच रेफर्स टू लिंक एंड अदर एक्सटर्नल सिग्नल्स, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि SEO ऑन पेज SEO से मुराद ये है कि पेज के अंदर ही, यानी कि पेज या वेबसाइट के अंदर ही जो चेंजिंग्स जो टेक्निक्स या जो मेथड्स जो कंटेंट्स जो टैक्टिक्स वगैरह यूज़ की जाएं, ठीक है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑन पेज SEO, ठीक है। यानी कि पेज पे हमने पेज पे जो अपने वेबसाइट के पेजेस या पोस्ट्स पे हमने जो काम करने हैं उसे ऑन पेज कहते हैं, ठीक है। ऑन पेज में आगे चल के मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऑन पेज पे सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो है ऑन पेज के मतलब, यानी कि सबसे पहले कीवर्ड सर्च आता है, सबसे पहले नीचर सर्च आता है, तो वो मैंने नीचर सर्च के मतलब इसमें वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। यानी कि मैंने पहले ऑन पेज पे बताया था आपको कि ताकि ऑन पेज का आपको पता चल जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने कीवर्ड सर्च का बताया है, नीचर सर्च का बताया हुआ है, ठीक है, ये नीचर सर्च है, ठीक है, ये नीचर सर्च है, ठीक है। तो ये वीडियोस लाजमन देखें ब्लॉगर ट्रेनिंग वाली, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, ये ब्लॉगर की नहीं है, ये इसमें ऑन पेज का भी बताया हुआ है मैंने जो बेसिक्स हैं, ठीक है। ऑन पेज मसलन की सबसे पहले नेचर सर्च आती है, उसके बाद कीवर्ड सर्च आती है, ठीक है। ऑन पेज में सबसे पहले नेचर सर्च देन कीवर्ड सर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च और नेचर सर्च मैंने अपनी पहली प्रीवियस वीडियोस में ब्लॉगर ट्रेनिंग की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, वो आप एक बार वॉच कर लेना, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं, ठीक है, ऑन पेज पर भी तफसीलन जो ट्यूटोरियल्स बना दूँगा। तो इस पे और भी जो सेटिंग्स WP इंस्टॉलेशन, ठीक है, ब्लॉगर की सेटिंग्स वो मैंने इस पे तकरीबन कंप्लीट कर दी हैं। वर्डप्रेस पे जब जाएंगे तो ऑन पेज उसमें भी मैं बताऊंगा कि ऑन पेज में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, प्लगइन वगैरह वो सारा ऑन पेज में आ जाता है, ठीक है। कंटेंट लिखना कैसे है, कंटेंट यूज़ कैसे करना है, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऑन पेज में आ जाती हैं, ठीक है, ऑन पेज। तो मेरा ज़्यादातर फोकस जो है, क्योंकि ऑन पेज को मैं 30% SEO का मानता हूँ, बाकी का 70% वो ऑफ पेज है। ऑफ पेज में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑफ पेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ऑन पेज में मैंने बता दिया है नेचर सर्च, ठीक है, कीवर्ड सर्च, कंटेंट राइट करना, ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स जो भी CMS प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉगर या वर्डप्रेस या दूसरे जो भी ब्लॉगिंग आप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उनकी सेटिंग्स वो ऑन पेज में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छी लुकिंग दे रही हो, ग्राफिक्स का अच्छा यूज़ हो, वो सारी ऑन पेज में आ जाती हैं। तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह जो ट्यूटोरियल्स अच्छे से ट्यूटोरियल्स बना के आपको गाइड करूँगा। तो आज का मकसद ये था कि ऑन पेज के मतलब बताया जाए कि ऑन पेज है क्या चीज़, ठीक है। तो ये जस्ट तारफी वीडियोस हैं, ठीक है, जिनमें आपको बताया जाएगा, बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स में इन, क्योंकि बहुत से बेसिक बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनको ये भी नहीं पता ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, इनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा
10 से 15 वीडियोस बनाऊंगा बेसिक पे, देन उनको समझ आ जाएगी। तो उनकी तरफ से अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाऊंगा, ठीक है। इनको करना क्या है, उन पेज करनी कैसे है, ऑफ पेज करनी कैसे है, एसईओ करनी कैसे है, ठीक है, बैक लिंक्स वगैरह बनाने कैसे है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।